नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधित 22 महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रारंभ होने की तिथि, क्योंकि देखिए प्रत्येक एग्जाम में 3 या 4 प्रश्न योजनाओं को सुमेलित करने से संबंधित होते हैं। तो पहला देखिए कि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन 2018 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देखिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 में आरम्भ हुआ। नेक्स्ट पीएम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 2015 में आरंभ हुई। स्वाधार गृह योजना 2001-2 से चल रही है। स्वाधार गृह योजना क्या है? तो कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के आर्थिक उन्नति के लिए नीति बनाई जाती है। तो स्वाधार गृह योजना 2001-2 से चल रही है। नेक्स्ट देखिए कि सबला योजना, ये चल रही है 2010-2011 से, और इसमें 11 से लेकर 18 वर्ष की किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार हेतु प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि पीएम मातृवंदना योजना चल रही है 2017 से। पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान चल रहा है 2016 से। नेक्स्ट देखिए कि जननी सुरक्षा योजना 2005 से चल रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देखिए 22 जनवरी 2015 से चल रही है और आरंभ हुई थी पानीपत से। नेक्स्ट देखिए कि राष्ट्रीय महिला नीति 2016 की बनी है, 2016 की है राष्ट्रीय महिला नीति। नेक्स्ट देखिए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की है। राष्ट्रीय पोषण नीति 2018 की है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 का है। नेक्स्ट देखिए कायाकल्प योजना 2015 से चल रही है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना 1975 से, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, अनेक बार एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट देखिए कि सुकन्या समृद्धि खाता 2014 से योजना चल रही है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना वृद्धों के लिए 2017 से चल रही है। नेक्स्ट देखिए कि पीएम उज्ज्वला योजना 2016 को आरंभ हुई थी उत्तर प्रदेश के बलिया से 1 मई 2016 को। नेक्स्ट देखिए कि मिशन इंद्रधनुष योजना 2014 से चल रही है और मिशन इंद्रधनुष में 12 बीमारियों हेतु निःशुल्क टीकाकरण बच्चों का कराया जाता है और इसी का और मॉडिफाइड रूप है सघन मिशन इंद्रधनुष। सघन मिशन इंद्रधनुष यह चल रहा है 2017 से। नेक्स्ट देखिए कि राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 की है। तो ये था परिवार एवं स्वास्थ्य से संबंधित 22 महत्वपूर्ण योजनाएं। मिलते हैं जल्दी अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।